हेलो फ्रेंड, आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ये मेरा जो नॉलेज आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ, देखिए। ये तोशिबा 24 इंच का एलईडी है। ये देखिए मॉडल नंबर, आपको देखिए मॉडल नंबर है 24PS10JD। ठीक है, ठीक है। चलिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है पहले देखिए। मैं टीवी ऑन करता हूँ, चलिए देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, देख लीजिए पहले। देखिए प्रॉब्लम क्या है, पिक्चर सही आ रहा है लेकिन साउंड, देखिए साउंड 100 भी दे दिया लेकिन साउंड नहीं आ रहा है। इसका साउंड का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व करूंगा आप देखिए। आप सेटअप बॉक्स से देखिए, फूला पूरा है, देखिए फूल है, साउंड नहीं आ रहा है। ठीक है, ये साउंड का प्रॉब्लम क्या है, क्यों साउंड नहीं आ रहा है। देखिए साउंड का जो सॉकेट यहाँ पर कनेक्ट किया है, सब कुछ कनेक्ट है लेकिन साउंड तब भी नहीं आ रहा है। मैंने क्या किया, इसमें पहले ये जो साउंड का जो आईसी है, यहाँ पर देखिए डिजिटल साउंड आईसी है, ये यहाँ पर TAS5708, ये जो है ये साउंड का आईसी है। देखिए ये जो है ये TAS5708। पहले मैं आपको सर्किट में कुछ बात बोलेंगा, ठीक है। देखिए ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम देख के, यहाँ पर सप्लाई है 10 to 26 और 3.3 वोल्ट। ये डायग्राम देख के आप लोगों को मालूम हो जाएगा ये डिजिटल ऑडियो एम्पलीफायर है, ठीक है, डिजिटल आईसी है। इसमें पूरा डाटा शीट मैं निकला, यहाँ से देखिए ये पूरा पिन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर है एवं यह इसका जो पिन है ये डिटेल्स यहाँ पर दे दिया, ठीक है। ये मैं सब चेक किया वहाँ से, ठीक है। ये जो पिन नंबर है आप देखिए, या जो है पूरा डिटेल्स आप देख सकता है। एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है इसमें, देखिए ये जो 18 नंबर पिन है ना, 18 नंबर पिन देखिए, ये जो 18 नंबर पिन है, ये पिन से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरनली रेगुलेटेड 1.8 वोल्ट डिजिटल सप्लाई वोल्टेज, दिस पिन मस्ट नॉट बी यूज टू पावर एक्सटर्नल डिवाइस। ठीक है, ये जो वोल्टेज मैं नहीं मिला 18 नंबर पिन से, यहाँ पर 1.8 वोल्ट है 12 नंबर पिन में, और यहाँ पर 26 वोल्ट 24 वोल्ट का सप्लाई है। देखिए यहाँ पर देखिए PVCA 7-8, PVCD 30 and 29, यहाँ पर देखिए सप्लाई है, तो यहाँ पर भी है, सब कुछ भी है। देखिए मैं आपको यहाँ पर देखने जाऊँगा, चलिए मीटर में देखाइए। चलिए मीटर को कनेक्ट किया, देखिए टीवी तो ऑन है लेकिन चलिए पहले क्या वोल्टेज चेक करूंगा। देखिए पहले क्या वोल्टेज चेक करूंगा, देखिए ये 7-8 नंबर जो पिन है उसमें देखिए 26 वोल्ट का सप्लाई प्रेजेंट है। अब देखिए 26 वोल्ट का सप्लाई प्रेजेंट है, अब देखिए मालूम हो जाएगा। मैं यहाँ पर देखा 26 वोल्ट का सप्लाई प्रेजेंट है, ठीक है। और म्यूट पिन है इसका 19 नंबर पिन, अब देखिए 19 नंबर पिन में 30 वोल्ट है, ठीक है। देखिए मैं जो आपको 18 नंबर पिन का बात बोला था ना, 18 नंबर पिन से आप देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा ये फॉल्ट फाइंडिंग करने के लिए। 12 नंबर पिन जो है, देखिए 12 नंबर जो पिन है, देखिए इधर देखिए 12 नंबर जो पिन है, देखिए 1.7 वोल्ट है,
ठीक है। अच्छा 18 नंबर जो पिन है देखिए यहाँ पर कुछ वोल्टेज नहीं है, 18 नंबर जो पिन है यहाँ पर कुछ वोल्टेज नहीं है, ठीक है। चलिए और देखिए पीवीसी डी 30 एंड 29 देखिए 30 एंड 29 यहाँ पर भी 24 वोल्ट है, ठीक है 24 वोल्ट है, सब वोल्टेज सही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो आपको यहाँ पर आप देखिए ये जो 18 नंबर पिन है ना, देखिए 18 नंबर पिन है इधर 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 18 नंबर पिन है, देखिए यहाँ पर वोल्टेज नहीं है, यहाँ पर 1.8 वोल्ट होना चाहिए, 8.1 वोल्ट होने के बाद ही साउंड आएंगे, नहीं तो साउंड नहीं आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 2 PF है, आप कंप्यूटर में चला जाइए, देखिए कंप्यूटर में जाइए इधर देखिए देखिए आप ये जो देखिए यहाँ पर देखिए ये जो 18 नंबर पिन है देखिए VRDIG यहाँ से 2 PF पैरेलली ग्राउंड है, यहाँ से 2 PF पैरेलली ग्राउंड है, एक वैल्यू है 10 mFd का, एक 0.1 mFd का, ठीक है। देखिए ये PF खराब हुआ है, एक PF खराब हुआ है, ठीक है। ये मीटर में कुछ मालूम नहीं होता है, इसको ओपन करने के बाद ही मालूम हो जाता है, वोल्टेज आ जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। सॉरी देखिए मैं इसको इधर आइए देखिए मैं इसको आपको साथ ही में रिमूव कर दूंगा, ठीक है। चलिए इधर देखिए मैं इसको रिमूव कर दूंगा, यहाँ से देखिए आप थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करिए, मेरा जो काम आता है मैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो जो एक्सपीरियंस है ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। चलिए देखिए इधर दिया, देखिए ये मैं ऐसे निकाल दिया, ठीक है। बहुत गर्मी हो गया, थोड़ा सा ठंडा कर दीजिए, ठीक है। एक PF मैं निकल दिया, मैं तो आपको सर्किट में पूरा डिस्कस किया, ये प्रैक्टिकली मैं करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए हाँ वो निकल गया, ठीक है। चलिए ये निकल दिया, साउंड आ जाएगा, मैं वो फिर कनेक्ट PF कनेक्ट करूंगा, ठीक है। चलिए मैं पहले पावर दे रहा हूँ, देखिए पावर दिया, देखिए देखिए आयुष के हमें मने मने भालोबाशते शुरू करे छी, एक डाइनी ओके बियर बांधने बेंधे रखते चाहे की करे बाचा बो ओके डाइनी हास्ते छी तुम्ही बाचा दी आयुष के देखिए म्यूट भी काम करता है, देखिए इधर म्यूट भी काम करता है, ठीक है। साउंड थोड़ा समय काम कर दिया,
देखिए इस टाइम वो जो पिन है 18 नंबर जो पिन है वहाँ पर वोल्टेज देखिए 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 इधर आइए यहाँ पर देखिए देखिए ये जो 18 नंबर पिन है मैं बोला था आपको उसमें जीरो वोल्टेज था लेकिन यहाँ से देखिए देखिए 1.8 वोल्ट आ गया। ये वोल्टेज पहले नहीं था इसलिए साउंड ऑफ था ठीक है। यहाँ पर एक 0.1 mfdpf में सोल्डरिंग करेगा ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चलिए दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद हुआ तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको लाइक आपको सब्सक्राइब आपको शेयर मुझे एक काम करने का इंस्पायर करेगा ठीक है। चलिए दोस्तों ऑल द बेस्ट गुड नाइट।